वीडियो के अंदर हम कुछ हटके करने वाले, वीडियो के अंदर हम बनाने वाले हैं एक सैंड पूल। जी हां गाइस, एक मिट्टी का स्विमिंग पूल। समझ नहीं आया ना? अब आप सोच रहे होंगे यार कि भाई कोई मिट्टी का स्विमिंग पूल कैसे बना सकता है, फिर मिट्टी का स्विमिंग पूल क्या होता है यार? समझ जाओगे आप बस इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक पूरी जरूर देखें। लेकिन ये थोड़ा सा रिस्की प्रोसेस है क्योंकि इसके अंदर इस्तेमाल में ली जाएगी नाइट्रोजन के। कभी कभी ये लोग मुझे डरा देते हैं। और पहले इसे छोटे लेवल पे ट्राई करेंगे, छोटे लेवल पे करके देखेंगे। अगर पहले आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये छोटा सा एक पूल है और इसके अंदर जगह जगह के ऊपर छेद है और इसके अंदर हम डालते हैं मिट्टी। तो ये मिट्टी है, ये थोड़ी सी स्पेशल है, तो इससे पहले इसके अंदर भर देते हैं। तो अभी ये जो चीज है ये कहीं से भी पूल की तरह दिखाई नहीं दे रही है, ये देखो काफी ज्यादा सख्त है। तो अब हम ये करेंगे कि हम सिंपली इस मिट्टी के अंदर उन पाइप्स के थ्रू ये जो नाइट्रोजन गैस है इसका फ्लो बढ़ाएंगे। एवरीथिंग इज सेट गाइस। गाइस फ्लो बढ़ गया है, फ्लो शुरू ही देखो। और ये आप देख सकते हैं कि इसके अंदर जो है एयर फ्लो स्टार्ट हो गया है। थोड़ा और बढ़ाते हैं। अभी इसके अंदर हाथ डाल के देखते हैं कि ये पूल की तरह बिहेव कर रही है या फिर नहीं। ओ गाइस, आइडिया काम कर रहा है। मेरा हाथ जो है बिल्कुल इसके अंदर पूल की तरह बिहेव कर रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं मिट्टी के अंदर अपना हाथ नहीं बल्कि पूल के अंदर डाल रहा हूँ। जो मैं फील कर पा रहा हूँ ये आपको शब्दों से बयां नहीं कर सकता। बाकी मेरा हाथ जो है अभी बंद करना, बिल्कुल बंद, अब बिल्कुल जम गया। जैसे ही मैं, हमने और बढ़ाओ। ओ वाओ यार, मैं शब्दों के अंदर इस चीज को बयान नहीं कर सकता। ये देखो मिट्टी किस तरीके से बिहेव कर रही है, पानी की तरह, ये देखो। तो गाइस यार फाइनली हमारा जो सैंड पूल है वो काम कर रहा है, हमारा जो आइडिया है वो काम कर रहा है। अब बस देरी है इसे टाइटेनियम आर्मी के लेवल पे ट्राई करने की। वो अरे जाओ जाओ, बाकी सामान ये रहा फटाफट, अब लेके आते गैस। चले भाई चलो, गाड़ी नहीं, गाड़ी तो छोड़ दो। तो गाइस स्पेशल मिट्टी लाने स्पेशल जगह जा रहे हैं, चलो चलो। गाइस मिट्टी आ गई, गैस भी आ गई, हाई प्रेशर के वॉल्व भी आ गए जो कि नाइट्रोजन को संभाल लेंगे। ऐसे हमारे पास बहुत सारे वॉल्व्स हैं। बजट कितना हो गया अभी तक? 2 लाख। 2 लाख कैसे हो गए? 50,000 की तो नलियां ही आ गई और 3,000 का तो एक वॉल ही है। 20,000 की तो पाइप ही है। 80,000 गैस आ गई और 20-25,000 का तेल बाल दिया होगा। 20,000 हो गया खाना पीना सारा। 2 लाख चले गए अभी। साथी बैठो। तो गाइस अब यहां पर इस लोकेशन के ऊपर हम बनाएंगे बड़ा वाला सैंड पूल। तैयार हो गई हमारी मोटा की ताबूत। अबे मोटे की ताबूत नहीं है ये, लिक्विडाइज्ड सैंड पूल का फ्रेम। तो गाइस यार इसे हमने क्या किया है, लोहे का इसलिए बनाया ताकि इसके अंदर से गैस जरा से भी लीक ना हो। देखिए जो फ्रेम है इसके अंदर हमने छेद वगैरह कर दिए हैं। आपको क्या लगता है कितने छेद किए होंगे इसके अंदर? हमने लगभग 10,000 छेद किए हैं, 1-1 मिलीमीटर के। ये देखो पूरी रात छेद करने के अंदर ही निकल गई। तो गाइस फाइनली हमने हमारा जो सैंड पूल है वो बना लिया है। ये देखो इसके अंदर गैस का फ्लो ऑन करते हैं। इन 3, 2, 1 खोलो जल्दी जल्दी खोलो। कैसा लग रहा है पानी के अंदर डूब, मिट्टी के अंदर डूब के? मजा है, हो गया ये जाम हो गया। मैं तो निकल यार, ओए कमीना। अबे इसको पकड़ो पकड़ो पकड़ो। इसमें तैरने का मजा भी आता है ना, गीले भी नहीं होते। बंद कर दो भैया, ये देखो। वाह, अभी देखना बेट को देखना। इश्यू है, बाकी तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, बहुत मजा आ रही है देखो। तो आज के लिए बस इतना ही, हम सब मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो के अंदर किसी नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। रुको मैं जाते जाते रॉकेट लॉन्च कर देता हूँ, आपको दिखा दूँ।